बीते 16 अप्रैल को ही अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म रेड रिलीज हुई है। रिलीज होते ही ये फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने लगी थी। बता दें कि इस फिल्म ने ओवरसीज में करीब 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली है। अब हर कोई जानने के लिए बेताब है कि आखिर अजय अब किस जॉनर की फिल्म करेंगे। बता दें कि अभिनेता निर्माता अजय देवगन ने कहा है कि वो उन्हीं फिल्मों से जुड़ते हैं जो उन्हें पसंद आती है। अजय ने फिल्म आपला मानुस के साथ मराठी सिनेमा में कदम रखा है। ये फिल्म फरवरी में रिलीज़ हुई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो और मराठी फिल्मों में भी काम करना चाहेंगे, अजय ने कहा कि जब मैं अच्छी पटकथा सुनता हूँ तो मैं उसमें काम करना चाहता हूँ। जब मैंने ये पटकथा सुनी थी तो मुझे ये शानदार लगी। वहीं रिलीज़ के बाद इसे सराहा भी गया। मैं कोई भी चीज़ तभी करता हूँ अगर वो मुझे पसंद आती है। बता दें कि अजय देवगन इन दिनों आगामी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो शिवाजी की सेना के सैन्य नेता सूबेदार तानाजी मालुसरे की शीर्षक भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस ऐतिहासिक फिल्म के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि तैयारियां चल रही है और हम अगस्त में शूटिंग शुरू करेंगे। वहीं बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अजय देवगन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी करने वाले हैं और वहीं इस फिल्म में रकुलप्रीत सिंह और तब्बू जैसे कई स्टार्स देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप अजय देवगन को एक बार फिर से रोमांस करते हुए देखने के लिए तैयार है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अजय देवगन से जुड़ी और दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।